नन्ना नमस्कार करो। भाइयों और बहनों, आज इतनी बड़ी संख्या में और मैं देख रहा हूं पेंडोल के बाहर इससे भी डबल लोग खड़े हैं, इतनी बड़ी संख्या में आपका यहां आना आज कांग्रेस और जेडीएस दोनों की नींद उड़ाने वाला है। कर्नाटक के विकास में ये दोनों पार्टियां ही सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा अवरोध है। कांग्रेस और जेडीएस मिलकर चाहे जितना खेल लें, लेकिन कर्नाटक की जनता उन्हें क्लीन बोल करने जा रही है। कर्नाटक के लोगों ने तय कर दिया है, बड़े विश्वास से तय कर दिया है, अनुभव के आधार पर तय कर दिया है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। वाले 5 वर्षों के लिए एमएलए मंत्री या सीएम बनाने का सिर्फ नहीं है, ये चुनाव आने वाले 25 सालों में विकसित भारत के रोड मैप की नींव को सशक्त करने का है। अस्थिर सरकार इस तरह के बड़े विजन पर कभी काम नहीं कर सकती। अस्थिर सरकारों का कितना नुकसान होता है ये आपने देखा है। अस्थिर सरकारों की पहचान है जनता के हित वाले निर्णय में देरी करना और भ्रष्टाचार में उतनी ही तेजी करना। हमें कर्नाटक को अस्थिर सरकार से बचाना है, हमें कर्नाटक को कांग्रेस और जेडीएस के भ्रष्टाचारी शिकंजे से बचाना है। केंद्र में अनेकों दशकों बाद एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाई तो क्या परिणाम आया? केंद्र की बीजेपी सरकार ने ऐसे ऐसे बड़े काम किए जो कई दशकों से पेंडिंग थे। 2014 से पहले के करप्शन काल में कांग्रेस सरकार के कालखंड में दुनिया भारत से सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। बीजेपी को दिए आपके एक वोट ने सारी स्थिति बदल दी। आज भारत की प्रतिष्ठा बुलंदी पर है, अर्थव्यवस्था की गति तेज है और दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट बता रही है। भारत ने जिस मजबूती से कोरोना का मुकाबला किया है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान
चलाकर अपना सामर्थ्य दिखा दिया है और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया है।